कोई भी आइकन शो नहीं हो रहा। क्या गाइस आपके लैपटॉप में भी ऐसा ही दिक्कत है कि डिस्प्ले में कोई भी आइकन शो नहीं हो रहा? हाय गाइस, मैं हूं अमीन। मैं आपको बताऊंगा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन पर्सनलाइज, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में थीम का ऑप्शन दिखेगा, आपको थीम का ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया, आपको राइट साइड में रिलेटेड सेटिंग के नीचे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डेस्कटॉप आइकन दिखेगा, आपको यहाँ पे कंप्यूटर, यूजर फाइल, नेटवर्क सब पे टिक हटा हुआ रहेगा, आपको इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ओके पे क्लिक करना है। ओके, आपको सिंपली इस विंडो को क्लोज करना है। तो यहाँ पे आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, व्यू पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे सबसे लास्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, शो डेस्कटॉप आइकॉन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए आपका सारा आइकन शो हो गया। ये रहा यूजर वाला, ये नेटवर्क, ये रिसाइकल बिन, दिस पीसी, कंट्रोल पैनल, सारा आइकन आ गया।